गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम वी फिनिश्ड लेसन 6. दैट वॉज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, राइट? नाउ दिस टाइम आई विल बी शेयरिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन विच यू स्टार्ट कंप्लीटिंग इन योर वर्क बुक. एंड टेक्स्चुअल क्वेश्चन आंसर्स आई विल बी शेयरिंग आफ्टरवर्ड्स ऑफ 6 लेसन्स ऑल टुगेदर. जो भी आपके वर्कबुक में नहीं है वो सारे क्वेश्चंस में एक साथ में शेयर करूँगी, 1 to 5 लेसन के और 5 to 10 लेसन के, राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू लेसन 7, दैट इज़ वेदर क्लाइमेट एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. नाउ हियर वेदर क्या है? वेदर मतलब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे कैसा एटमॉस्फियर रहता है, ठंडी रहती है, गर्मी रहती है, दैट इज़ द वेदर ऑफ दैट प्लेस, राइट? क्लाइमेट, क्लाइमेट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग. टेम्परेचर्स कितने कम ज़्यादा रहते हैं, दैट इज़ ऑल क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस. एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, एडेप्टेशंस मतलब कुछ एनिमल्स जो जिस हैबिटेट में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस हिसाब से उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं ताकि वो उस क्लाइमेट को और वेदर को अडेप्ट हो सके. अडेप्ट मतलब एडजस्ट हो सके, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट, राइट? सो डिफरेंट प्लेसेज हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. इन इंडिया मेजरली वी हैव हायर टेम्परेचर्स, यानी हमारे यहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है, राइट? साल में 12 महीने में से 6 to 7 मंथ्स तो नियरली गर्मी ही रहती है, राइट? दो ढाई महीने जैसा मानसून रहता है, यानी बारिश होती है. एंड विंटर्स बहुत छोटे होते हैं हमारे यहाँ पे, तो भी नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में विंटर्स बहुत लंबे होते हैं और वहाँ पे स्नो गिरती है, बर्फ़ गिरती है, राइट? सो इट टेम्परेचर इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस. डिफरेंट प्लेसेज हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, राइट? सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी इन टू दिस लेसन, दैट हाउ एज पर द टेम्परेचर्स एडेप्टेशंस इन एनिमल्स चेंज, राइट? सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू आर आस्क्ड टू पैक वेन यू आर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन, राइट? जब भी आप हिल स्टेशन घूमने जाते हो नॉर्मली वहाँ पे ठंडा एटमोसफियर होता है, तो आपको स्वेटर्स या शॉल थोड़ा थोड़ा कैरी करना पड़ता है. अभी ये मानसून के सीज़न में या बारिश के सीज़न में अगर आप किसी हिल स्टेशन लोनावला खंडाला कहीं जाते हो तो वहाँ पे बारिश और ठंडी जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, तो आपको स्वेटर्स और शॉल्स कैरी करना पड़ता है अपने साथ में, राइट? नहीं तो फिर वहाँ पे आपको ठंड लगेगी. सो गर्म कपड़े आप लेके जाते हो. सो हिली रीजन पे नॉर्मली आपको ठंडा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जबकि नॉर्मल प्लेन्स पे आपको गर्म एटमॉस्फेयर मिलेगा. When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Cloudy clouds अगर होते हैं तो naturally बारिश होने की possibility रहती है. So during those times you carry an umbrella or you wear raincoats, right? Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? राइट? कोई भी फैमिली फंक्शन प्लान करने से पहले कभी कभी हम लोग सोचते हैं. इंडिया में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है बिकॉज ज़्यादातर गर्मी होती है, राइट? बारिश के टाइम में बहुत कम फंक्शंस होते हैं, बट फिर भी मतलब नॉर्मली जब हम लोग ये शादी का सीज़न होता है, दैट इज़ इन दिसंबर और एल्स इन फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी में ठंड रहती है, दिसंबर में भी ठंड रहती है, तो तब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि बारिश के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, राइट? सो नॉर्मली जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कोई भी बड़ा फंक्शन प्लान करने से पहले वेदर को चेक करते हैं, राइट? You must have also heard. Now further, you must have also heard that experts discussing the weather before the start of a game, right? अभी IPL चल रहा है तो IPL में naturally experts discuss करेंगे कि weather कैसा रहेगा. किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश होने वाली होती है, possibility होती है, तो वो वहाँ पे game को नहीं खेल सकते, नहीं तो पूरा pitch ख़राब हो जाता है, right? बारिश की वजह से. So all these things are planned. Weather is taken into consideration for planning of any such thing, right? Have you ever wondered why the weather may have profound effect on the game? It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspapers, but do you know that this weather really, that what this weather really is? Weather kya hota hai? राइट? हर जगह पे वेदर की बातें होती है, पर एग्जैक्टली वेदर क्या होता है, उसमें क्या क्या देखा जाता है?
In this chapter, we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat, right? क्या climate और उस ये adaptations होते हैं climate के हिसाब से, that also we will study. Now, weather. In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall. Right? So, underline this. Weather report में क्या होता है? Temperature, humidity and rainfall. ये सब कुछ उसमें consideration में लेते हैं. Temperature मतलब heat कितना रहेगा, कितना humidity air में रहेगा, हवा में कितना moisture रहेगा, rainfall कितना रहेगा, right? वो सब उसमें consider किया जाता है. During the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you know, is a measure of the moisture in the air. Underline this, it's a definition of humidity. Humidity is a measure of moisture in the air. That is water vapor jo hawa mein rehti hai, usko humidity bolte hai. See, this is the this thing given. Maximum, it is not clear actually. It is very blurred in the textbook itself. Maximum is 16.1, that is temperature degree Celsius, right? Sunset, sunrise is given. Moonset is given. It is Wednesday, right? Moonrise is given. Okay. A sample of weather report from newspaper. Newspaper mein aise weather reports hote hain. I wonder who prepares these reports. Kaun prepare karta hai? Weather ko study karne wale logon ko, scientist ko, kya bolte hain? Meteorologist bolte hain. Now let us study further. The weather reports are prepared by the meteorological department of the government. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. Right? वो सब temperature, wind और pressure कितना है उस area में, बादल कितने दिख रहे हैं, वो सब के हिसाब से they make a prediction कि आज यहाँ पे बारिश होगी. Right? So that way, that is called a meteorologist. वो लोग scientist को meteorologist बोलते हैं. So further, activity 7.1, let us do. The scientists which study the climate and weather are called meteorologists, and the department is called meteorological department who decides the weather. कहीं आप cyclone आने वाला है ना, तो भी predictions कौन करता है? Meteorological department करता है. Okay, now let us move on to activity 7.1. Cut out the weather reports of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. You can also collect weather reports from library. Paste all the cutouts on a white sheet or on a chart paper. Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. Table 7.1 दिया है आपको date wise, वहाँ पे आपको maximum minimum temperature, then minimum humidity, then maximum humidity and rainfall कितना है daily का, वो आपके papers में newspapers में आता है, that you have to record. आपके घर पे भी newspapers आता होगा या neighbor के पास आता होगा, neighbor के पास से मांग के उनके इसमें से cut out नहीं करना है, right? उनमें से नोट डाउन करना है. अगर आपके घर पे नहीं आता है तो आजू बाजू वाले नेबर के पास से न्यूज़पेपर मांग के सिर्फ कटआउट सिर्फ आपका नोट करना है. इस टेबल में आप नोट करो डेली का, राइट? ओके, नाउ फर्दर, नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1. द फर्स्ट रो इज जस्ट सैम्पल. फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट that you have prepared, right? Okay, now rainfall may not be recorded for all the days since it may not rain every day. Rainfall, अभी जिस दिन rainy atmosphere होगा उस दिन ही rainfall दिया होता है, right? So हर दिन का नहीं होगा, तो जहाँ पे दिया है उसका लिखने का. Leave the space for rainfall blank if the data is not available. Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. Underline this point. Rainfall किससे measure करते हैं? Rain gauge से measure करते हैं. Right? It is basically a measuring cylinder with a funnel on the top to collect rainwater. ऐसा cylinder होता है, right? नीचे से base उसका चौड़ा होता है, यहाँ पे उसको एक ऊपर एक funnel होता है, right? और यहाँ पे सारे markings किए हुए होते हैं ml में, liter में, और उसके अंदर ये open रखा जाता है बारिश में. जितना बारिश होता है वो इसमें भरता जाता है पानी.
तो दिन में कितना बारिश हुआ, कितना पानी भरा, ये उसमें से मेजर होता है. दिस इज कॉल्ड रेन गॉज, राइट? ओके. इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर. डू ऑल दिस 7 days. ऑल दिस 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर. किसी का भी सेम नहीं होगा. कभी कभी सेम आता भी है बट ज़्यादातर नहीं रहेगा, डिफरेंट ही होगा. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज. हाउ एवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट सीन ऑन द ऑन एनी 2 days, राइट? सेम ऑन एनी 2 days. कोई सारे पैरामीटर्स सेम होंगे, कोई भी 2 दिन के लिए ऐसा हो नहीं सकता है, राइट? ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन. द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place, right? So please underline this point. The day-to-day condition of the atmosphere at the place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say today's weather is too humid. जब आपको बहुत गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है, तो it is humid. बहुत humidity होती है air में. Or the weather was warm last week. The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time. वेदर कभी भी सेम नहीं होता है एक जगह पे, या एक 1 hour में भी चेंज हो सकता है. सुबह कुछ अलग होता है, शाम को भी कुछ अलग हो सकता है, राइट? सो इट कीप्स चेंजिंग. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. उसको आप कभी भी कंप्लीटली कंफर्म प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आज ऐसा ही होगा. ऐसा कंफर्म प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट? यू कैन जस्ट क्या बोलते हैं उसको, अंदाजे से आप उसको ये कर सकते हो कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी. ऑल दीज यू कैन डू इट, राइट? इट कैन प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नो वेयर एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवीली, राइट? और अ हैवी रेन मे वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव अवे ब्राइट सनशाइन. You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shillong, Meghalaya. Right? Shillong is the capital of Meghalaya. This is the chart given. See, it is so up and down. Kitna changes hai ek graph mein, right? Now here I think this is the temperature and this is the date that is given. So 3rd ko itna hai, 4th ko ekdam itna ho gaya, 5th ko ekdam upar gaya, then 6th ko fir down aa gaya, then 7th ko ekdam upar, then 8th ko niche again, 9th ko it shooted up, right? So here the temperatures are given. See, on 3rd it becomes 26, on 4th it is 23, on 5th it is 25, on 5th it is 25, right? On 6th it is 20, on 6th it is 20, ekdam niche chala gaya, right? Then on 7th it is 25.5 here. On 8th it is 23 and on 9th it is 24. As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4 you have learned that there are special thermometers, right? Thermometers जो हमने laboratory thermometer पढ़ा, clinical thermometer पढ़ा, special thermometer होते हैं temperature measure करने के लिए, right? Thermometers for this purpose called the maximum and minimum thermometers, right? Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon.
राइट, जनरली आफ्टरनून में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 2 से 4 के बीच में, वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग. कैन यू अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपैरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ा ठंडा होता है, और जबकि दोपहर में समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट, देर इज स्कॉर्चिंग हीट, सो वी फील वेरी मिजरेबल ड्यूरिंग दैट टाइम. इतना बहुत गर्मी होती है हमको. सो दिस इज़ बिकॉज टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब सुबह ठंडक होता है, शाम को ठंडक होता है, और दोपहर को गर्मी होती है. सो दैट वे द टेम्परेचर्स चेंज, राइट, ड्यूरिंग द डे ऑल्सो. All the changes in weather are caused by sun. Underline this. This is very important. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि sun को हमारा earth in a tilted form face करता है. You must have studied this in your SS. ऐसा tilted form. सीधा earth नहीं है उसके सामने. अगर ये earth की axis है, यहाँ पे sun है, right? तो earth is facing the sun in a tilted form, right? थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसा. तो टेढ़ा ही वो घूमता है. उसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो रीजन्स है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ जो रीजन्स है वहाँ ज़्यादा ठंड होती है, राइट. सो लेट अस रीड. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज. इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज द सोर्स ऑफ all source of all heat and light on the earth. So the sun is the primary source of energy. Underline this. The sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. Energy absorbed and reflected by the sun, by the earth's surface, oceans and the atmosphere play important roles in determining the weather at any place. If you live near the sea, you have realized that the weather at your place is different from that of a place in the desert. Desert में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम dry atmosphere होता है. जबकि sea के पास अगर आप रहते हो coastline में, तो वहाँ पर humidity ज़्यादा होती है, right? और near a mountain एकदम ठंडा होता है. Mountain के ऊपर अगर आप रहते हो तो एकदम ठंडा होता है, right? Okay, so this is the way the temperature changes. What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters, it becomes dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter than summer? Yes, of course. Winters mein days shorter hote hai. Jaldi andhera ho jata hai. Summer mein 7-7.5 baje tak light hoti hai. So aap achche se khel sakte ho. Isliye aapko summer mein vacation achcha khasa milta hai. Exams khatam hoti hai to aap khel sakte ho. बट विंटर्स में ऐसा नहीं होता है. विंटर्स में दिन छोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से अंधेरा भी जल्दी हो जाता है. अभी 6 बजे अंधेरा हो जाता है, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू प्ले मोर. ट्राई टू फाइंड इट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट. देर इज अ प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट बाय द स्टडी ऑफ दिस, राइट. नाउ फ्रॉम 7.2 क्लाइमेट वी शैल डू नेक्स्ट टाइम. वी स्टॉप हियर टुडे. Write down all the important points that I've made you underline in your notebook, right? The definition of like this weather and all. Just write it down in your notebook. And we will continue next time from climate. We stop here.